हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी के अंदर। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल के दिन किया गया था, इनफैक्ट परसों के दिन जो है वो किया गया था ऑपरेशन शक्ति। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मिशन शक्ति जो है वो सक्सेसफुली अंजाम दिया गया अपने इंडिया के द्वारा, और दुनिया में चौथा देश बन चुका है भारत जिसके पास में इस तरीके की टेक्नोलॉजी है कि स्पेस के अंदर जो है वो अपन मिसाइल से किसी भी सैटेलाइट को उड़ा सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से अपना जो स्पेस का जो एरिया है वो अपन सिक्योर रख सके। ये तो मैंने कल सुबह जो करंट अफेयर हुआ था, जो अपने मेन चैनल पर होता है 8 बजे, उसके अंदर भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हैं जो कि आपको शायद मैं कल न्यूज़पेपर में नहीं मिले होंगे, या फिर आपको जानने में इंटरेस्टेड होंगे। तो वो 4 सवाल जो है दोस्तों, इनफैक्ट 5 सवाल जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। 5 सवाल कौन कौन से हैं जो कि अपन मिशन शक्ति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम के अंदर इसमें से सवाल देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो एंटी सैटेलाइट वेपन कौन कौन से होते हैं, पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। ये एंटी सैटेलाइट वेपन जो है, जो अपन ने बनाया है एसेट नाम से, ठीक है, ये होते क्या है। दूसरी बात करें तो इंडिया की कैपेबिलिटी को लेकर, क्या इंडिया के पास इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, पहले नहीं थी, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया ने इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा सवाल, इंडिया के इस वाले मिशन के अंदर क्या नया था, क्या पहले भारत ने इस तरह का कोई मिशन किया है, तो इसके अंदर क्या नई चीज थी। और चौथा जो है, भारत ने जिस सैटेलाइट को उड़ाया है वो लियो के अंदर उड़ाया है, एलईओ, ठीक है। एलईओ का मतलब क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे, समझ गए। और पांचवा कि क्या इसको लेकर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, क्या भारत ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी तोड़ी है भारत ने इस तरीके का ऑपरेशन करके। तो ये पांच सवालों के जवाब है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, और 10-15 मिनट के अंदर आपको काफी इंटरेस्टिंग और काफी चीजें हैं जो कि नहीं जानने को मिलेगी। सबसे पहली बात, एंटी सैटेलाइट वेपन क्या होते हैं, समझ गए। देखिए, एंटी सैटेलाइट वेपन आप नाम से पता कर सकते हैं, ये वो सैटेलाइट के वेपन होते हैं, ये वो हथियार है जो कि सैटेलाइट को उड़ाने के काम में आते हैं, अगर वो आपके परमिशन के बिना आपके देश के ऊपर आ जाती है तो, समझ गए। कई बार देशों के बीच में जब लड़ाइयां होती है तो वो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को, वहां के सिक्योरिटी सिस्टम को, या वहां के गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक करने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी अपनाते हैं कि ऊपर से कोई सैटेलाइट आएगी और आपके पूरे सिस्टम को जैम कर देगी। तो इस तरीके की कंडीशन के भविष्य में बचने के लिए भारत ने इसको अंजाम दिया है। मात्र 3 मिनट के अंदर अगर भारत की परमिशन के बिना कोई सैटेलाइट आती है और काम कर रही है भारत के खिलाफ, तो मात्र 3 मिनट के अंदर भारत उसको उड़ा सकता है। 1000 किलोमीटर तक ऊपर अगर कोई सैटेलाइट है तो उसको भी उड़ा सकता है। हालांकि चाइना जो है वो 10,000 किलोमीटर तक की उड़ा सकता है, लेकिन भारत ने 1000 किलोमीटर तक की कर ली है। आने वाले दिनों के अंदर भारत और भी कर लेगा, और मेजरली जो सैटेलाइट होती है वो 1000 किलोमीटर तक की होती है रेंज के ऊपर, समझ गए। तो दोस्तों, सबसे पहले यूएसए और रशिया ने कोल्ड वॉर के लेकर, जब 1960 में इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, जब उस टाइम पर रशिया ने यूएसएसआर हुआ करता था, तो इन दोनों ने क्या किया, ठीक है, क्या दोस्तों, उस टाइम पे इस तरीके के हथियार बनाने चालू करे। यूएसए को पता लगा कि यूएसएसआर क्या कर रहा है, इस तरीके के हथियार बना रहा है कि वो आसमान में कोई सैटेलाइट को उड़ा सकता है। जब उसने ये काम किया तो यूएसए भी इसमें लग गया, और यूएसए ने भी क्या किया, सबसे पहले इसको और काम किया रशिया के बाद में, और इसको अंजाम दे दिया। फिर चाइना ने 2007 के अंदर, चाइना ने भी क्या किया, उसकी एक चाइनीज वेदर सैटेलाइट थी जिसका नाम क्या था, FY1C, जो कि नियर बाय 850 किलोमीटर ऊपर थी, उसको उड़ा दिया। उसके बाद ही ऑपरेशन ब्रंट फॉरेस्ट, क्या नाम है, ऑपरेशन ब्रंट फ्रॉस्ट, मैं नाम लिख रहा हूं आपके लिए, पेपर में पूछेंगे, ये ऑपरेशन ब्रंट फ्रॉस्ट जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये यूएसए के द्वारा किया गया था। तो उसने भी, उसकी एक नॉन फंक्शनिंग सैटेलाइट थी, उसको उड़ाया था। तो ये यूएसए ने ऑपरेशन किया था ब्रंट फ्रॉस्ट नाम से, समझ गए। तो ये इस तरीके से जो ये वेपन से वो बनाए जाते हैं ताकि ऊपर जो है सैटेलाइट को उड़ाया जा सके, पहला सवाल हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, भारत की कैपेबिलिटी इसके लेकर, कि भारत की कैपेबिलिटी कितनी है। देखिए, सबसे पहले जो इसके बारे में बातचीत हुई थी ना, वो 2012 के अंदर हुई थी। 2012 के अंदर अपने
एक जो डायरेक्टर जनरल थे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, डीआरडीओ के, वीके सारस्वत जी, तो उन्होंने बोला था कि भाई हम इस तरीके के वेपन को तैयार करेंगे कि हमारी आउटर स्पेस जो है उसको अपन सिक्योर रख सकें। उसके बाद में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुए, कोई बातचीत नहीं उसके बारे में, लेकिन पेपर में अगर आपसे पूछे कि बताइए सबसे पहले जो है भारत में किसने काम किया इसके ऊपर, तो वीके सारस्वत जो कि डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल थे, ये आंसर होना चाहिए आपका, ना कि रेड्डी जी जो कि अभी इसरो के चेयरमैन है। समझ गए? पहले दूसरी बात, ये बात हो गई इंडिया की कैपेबिलिटीज की, ठीक है, क्योंकि इंडिया को कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी थी इसलिए भारत ने किया। तीसरा सवाल, इंडिया के इस वाले मिशन के अंदर क्या नया है? देखिए, भारत ने खुद जो है सैटेलाइट को उड़ाने वाला सिस्टम पहली बार किया है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर कोई सैटेलाइट या मिसाइल हमारे ऊपर आ रही हो, हमारे हमारे देश के ऊपर अटैक कर रही हो, तो हम उसको अटैक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने बना रखा है दोस्तों, और पृथ्वी डिफेंस सिस्टम से ऐसा होता है कि 600 किलोमीटर पहले ही जो है कोई भी मिसाइल अगर आ रही है तो हम उसको पहले से ट्रेस करके उसको उड़ा सकते हैं, है ना। तो मिसाइल वाला तो हमने पहले कर रखा था, लेकिन सैटेलाइट वाला नहीं कर रखा था, तो इसलिए अपन ने इसको अंजाम दिया। अब देखते हैं चौथा सवाल जो कि है कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, एलईओ लियो जो है ये क्या होती है। जब भी आप 2000 किलोमीटर तक की जो रेंज में नीचे से, ठीक है, ये जो स्पेस होता है इसको अपन बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। इसके अंदर मेजरली सैटेलाइट होती है और भारत ने भी 5 सैटेलाइट इसी के वाले रीजन में छोड़ रखी है। उनका नाम है इंडिया पी सेट, एक है रिसोर्स सेट। भाई रिसोर्स सेट क्या काम आती है? आपके फॉरेस्ट को पता करने के अंदर कितना देश में फॉरेस्ट है, वो रिसोर्स सेट ही तो काम में आती है। तो ये भी हमने 2000 किलोमीटर तक में ही छोड़ रखी है। एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है और एक है एसआरएम सेट, एसआरएम सेट नाम से। तो ये 5 जो है वो अपन ने छोड़ रखी है। समझ गए? इसके अलावा पांचवा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या भारत ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो इसको छोड़ रखी है क्या? क्या भारत ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन जो है वो इस पे कर रखा है क्या? तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी एक टेस्ट जो है वो हो रखा है, ठीक है। एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी 1967 के अंदर, आउटर स्पेस ट्रीटी। इस आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था, इसमें भारत ने भी साइन कर रखा है इसको, कि कोई भी देश जो है वो डेंजरस वेपन जो है ना वो नहीं बनाएगा स्पेस में जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सके, मास डिस्ट्रक्शन, ये इसमें ऐड था क्लॉज के अंदर। भारत ने सिंपल सी बात है मास डिस्ट्रक्शन वाला कुछ भी नहीं बनाया, एक ऑर्डिनरी वेपन बनाया है। तो इसीलिए भारत इंटरनेशनली किसी भी ट्रीटी को नहीं तोड़ रहा है और भारत इसको बिल्कुल तरीके से सिग्नेटरी के तौर पे ही भारत ने इसके ऊपर काम किया है। ओके, तो ये जो भी किसी का डाउट है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अंदर करी गई थी। तो दोस्तों, ये था आपका एक इंपॉर्टेंट लेसन, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि मिशन शक्ति को लेकर था, जो आपको पता होना चाहिए और आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।